एक ओर जहां उत्तराखंड में चिकित्सकों की कमी होती जा रही है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश के कई चिकित्सक बेरोजगार घूम रहे हैं। आज होम्योपैथिक बेरोजगार संघ ने अपने नियुक्ति की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सचिवालय कूच किया, जहां पुलिस ने सचिवालय के बाहर प्रदर्शनकारियों को बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि होम्योपैथिक चिकित्सकों को रोजगार दिया जाए और पीएचसी सीएचसी में शामिल किया जाए। होम्योपैथिक के लगभग 600 ऐसे डॉक्टर हैं जिन्हें अभी तक रोजगार नहीं मिल पाया है। वहीं उनका कहना है कि अगर सरकार हमारी मांगों को पूरी नहीं करती है तो आगे जाकर उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। क्राइम स्टोरी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। स्टाफ किसी को भी बैठा सकते हैं जो कि टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के थ्रू लोगों की बात, कोई विशेष मंत्री बैठा दीजिए, चार उनसे बात कर ले और वो उसका समाधान दे दे। डॉक्टर्स हैं होम्योपैथिक जो कि इस टाइम बेरोजगार है। हम लोगों की मांग केवल ये है कि पीएचसी सीएचसी में होम्योपैथिक डॉक्टर्स को तैनात किया जाए, ईएसआई के तहत होम्योपैथी को भी लाया जाए और जितने भी आयुष के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, नेशनल प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें होम्योपैथी की भी भागीदारी रखी जाए। उत्तराखंड में आयुष के लिए जो बजट आता है वो बजट में से ज़्यादातर सारा बजट आयुर्वेद में लगा दिया जाता है, जबकि होम्योपैथी को दरकिनार करके रखा गया है।